बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर लिखी गई ये कविता आपने खूब सुनी होगी। इसी तरह चांद बीबी, झलकारी बाई और रानी दुर्गावती की वीरता के किस्से भी आपने खूब पढ़े और सुने होंगे। पहाड़ की वीरांगना रानी कर्णावती के अद्वितीय शौर्य की कहानी भी आपने बारहमासा पर विस्तार से देखी है। वीरांगनाओं की इसी फहरिस्त में शामिल एक और नाम से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। एक ऐसी वीरांगना जो सिर्फ 15 साल की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और जिसने अगले 7 सालों में 7 युद्ध लड़ते हुए 13 गढ़ जीत लिए थे। किंवदंती बन चुकी पहाड़ की ये वीरांगना थी तिलू रतेली। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं बारहमासा का विशेष कार्यक्रम एम्पायर। तिलू रतेली का जन्म 17वीं सदी में पौड़ी गढ़वाल के कुराड़ गांव में हुआ। ये वो दौर था जब कत्यूरी राजवंश लगभग समाप्त हो चुका था और कुमाऊं में चंद तो गढ़वाल में पवार राजवंश का शासन था। हालांकि कत्यूरियों के वंशज अभी भी प्रभावशाली थे और वो जगह जगह लूटपाट मचाकर अशांति फैला रहे थे। गढ़वाल और कुमाऊं में तब कई छोटे छोटे गढ़ थे जिनकी कमान कभी राजा, कभी भट्ट तो कभी किसी थोकदार के हाथों में होती थी। कत्यूरी राजा दामशाही ने तब गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी गढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करवाते हुए तिलू रतेली के पिता और भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी घटना ने एक नाबालिग बच्ची को एक वीरांगना बना देने की भी नींव डाली थी। इस घटना पर विस्तार से बात करने से पहले तिलू रतेली के परिवार और उनके बचपन को जान लेते हैं। तिलू के पिता भूप सिंह गोड़ला अपनी वीरता के लिए विख्यात थे और इसलिए गढ़वाल नरेश ने उन्हें चौनकोट परगने की थोकदारी सौंपी थी। तिलू के अलावा भूप सिंह के 2 जुड़वा बेटे थे जिनका नाम भगतू और पथवा था। ये दोनों ही युवा अपने पिता की तरह साहसी थे और अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके थे। लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि बार बार जब बिंदुआ कैंतुरा ने चौनकोट क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था तब भगतू और पथवा ने अपने शौर्य के दम पर उनका सामना किया और उसे इस इलाके से खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि इस लड़ाई में दोनों भाइयों के शरीर पर 42 घाव आए थे और तब गढ़वाल नरेश ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें 42 गांव इनाम में दिए थे। अपने भाइयों के साथ ही तिलोत्मा देवी यानी तिलू रतेली ने बचपन से ही तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही तिलू के गुरु शिवदत्त पोखरियाल ने उन्हें इन विधाओं में पारंगत बना दिया था। इसी दौरान तिलू की सगाई ईड़ा गाँव के थोकदार के बेटे भवानी नेगी से कर दी गई, लेकिन तिलू की उनसे शादी होती उससे पहले ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तिलू ने फिर ताउम्र शादी नहीं की। जैसा कि हमने पहले बताया, उस दौर में गढ़वाल में पवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन बिखर चुके कत्यूरी राजवंश के कुछ वंशज जगह जगह आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास जारी रखे हुए थे। ऐसे ही एक आक्रमण कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर किया था। ये इलाका गढ़वाल नरेश के अधीन था। उन्होंने अपना गढ़ बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन धामशाही की सेना उन पर हावी रही और उन्हें चौनकोट लौटना पड़ा। इसके बाद इस मोर्चे की कमान राजा ने भूप सिंह और उनके वीर बेटों को सौंपी। तिलू के पिता और भाइयों ने बहादुरी से धामशाही की सेना से युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तिलू के पिता भूप सिंह सरायखेत में और उनके दोनों भाई कांडा युद्ध में शहीद हो गए। तिलू के मंगेतर भवानी नेगी भी इस युद्ध में मारे गए। तिलू रतेली उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और उनका पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो चुका था, लेकिन तिलू इससे टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने अद्वितीय साहस दिखाते हुए धामशाही से बदला लेने की ठानी और अपनी खुद की सेना तैयार की। इस सेना के गठन में उनकी मदद उनके मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल और देवकी व बेलू जैसी सहेलियों ने की। तिलू के उत्साह और बुलंद हौसलों से प्रभावित होकर उनके क्षेत्र के कई युवा भी उनके साथ शामिल हो गए और इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गुरु गौरीनाथ ने। उन्होंने इस युवा सेना को छापामार और गुरिल्ला युद्ध लड़ने के गुर भी सिखाए। बहुत ही कम समय में अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार कर तिलू ने सेना नायक की कमान संभाली और बिंदुली नाम की अपनी घोड़ी पर सवार होकर वो धामशाही से युद्ध करने निकल पड़ी। उनकी सेना में डंगवाल, असवाल, गोरला, सजवान, बंगारी, खुकसाल, ढोंडियाल, पोखरियाल, बोडाई, जोशी और सुंदरियाल जैसी तमाम जातियों के लोग शामिल थे। तिलू के नेतृत्व में इस सेना ने सबसे पहले 2 दिनों तक लगातार लड़ते हुए खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया। वर्तमान के कालागढ़ के नजदीक का ये वही क्षेत्र है जिसका बचाव करते हुए तिलू के पिता शहीद हो गए थे।
खैरागढ़ के बाद तीलू ने एक के बाद एक कई गढ़ों पर जीत हासिल की। अगले 7 सालों तक उन्होंने टकोलीगढ़, इंडिया कोट, भोनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उफराईखाल, कलिका खाल, दुमेलागढ़, भलंग भोंड और चोखुटिया समेत कुल 13 किलों पर विजय पाई। इन 7 सालों में तीलू ने जहां जहां युद्ध लड़े और जीते उनके कुछ निशान और प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे टकोली खाल में जिस पेड़ की आड़ लेकर तीलू ने गोलियां चलाई थी, बताते हैं कि उस पेड़ का एक तना आज भी मौजूद है और स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं। भौन यानी इंडिया कोर्ट में जहां तीलू ने विपक्षी सेना का नरसंहार किया था, वहां भौन देवी का मंदिर स्थापित किया गया। इसी तरह कहीं उनकी जीत के बाद बोंगी देवी मंदिर की स्थापना हुई तो कहीं शिव मंदिर बनाए गए। 7 सालों तक लगातार युद्ध लड़ते रहने के दौरान तीलू की दोनों सहेलियों के साथ ही उनके मामा रामू भंडारी भी वीरगति को प्राप्त हुए। महज 22 साल की उम्र में तीलू ने विलक्षण शौर्य का परिचय देते हुए अपनी विजय पताका चारों तरफ लहरा दी थी। सभी 13 गढ़ों को जीतने के बाद तीलू अपने मूल गढ़ कांडा पहुंची और यहां उन्होंने शिवदत्त पोखरियाल के साथ मिलकर अपने पितरों को तर्पण किया। तीलू ने अपने अदम्य रण कौशल से स्थापित कर दिया था कि उन्हें रण क्षेत्र में हराना नामुमकिन है। ऐसे में उनके दुश्मनों ने उन्हें खत्म करने के लिए छल और कपट का रास्ता चुना। तीलू जब अपने तल्ला कांडा शिविर के पास ही नार नदी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपनी ढाल, कवच और तलवार एक किनारे रख छोड़ी थी। तब मौके का फायदा उठाते हुए रामू रजवार नाम के कत्यूरी सैनिक ने निहत्थी तीलू पर छिपकर वार कर दिया। साल 1683 में 22 साल की छोटी उम्र में विराट जीवन जीने के बाद इस वीरांगना की शहादत हो गई। तीलू रतैली की याद में उत्तराखंड सरकार ने साल 2006 में वीरांगना तीलू रतैली पुरस्कार की स्थापना की, जो अदम्य साहस, समर्पण और जान सरोकरों के लिए लड़ने के लिए और समाज हित में काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। उनके नाम पर उत्तराखंड में एक पेंशन योजना भी है, जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो चुकी महिलाओं को समर्पित है। तीलू रतैली की याद में कांडा गांव और बिरोखाल क्षेत्र में हर साल एक मेले का आयोजन भी होता है। इसमें ढोल, दमाऊ और निशान के साथ तीलू रतैली की मूर्ति को पूजा जाता है। उनकी वीरता पर कुछ किताबें, लेख, गीत और नाटक भी लिखे गए हैं, लेकिन इस वीरांगना के शौर्य की कहानी अभी भी उतनी चर्चित नहीं है जितनी कि वो हकदार है। 12 मासा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर करने के साथ ही 12 मासा को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के जरिए हमें सहयोग करें ताकि हम लाते रहे पहाड़ की तमाम जानकारियाँ 12 मासा।